पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ओआरसी के 14वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आध्यात्मिक कार्निवल का आयोजन, हरियाणा के राज्यपाल ने किया उद्घाटन। आध्यात्मिकता को बताया देश को जिंदा रखने की औषधि। भुवनेश्वर में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात, संस्था के गतिविधियों की दी जानकारी। पंचकुला के रायपुरानी में नए भवन का शिलान्यास, मानवता की सेवा में जल्दी बनकर तैयार होने के अतिथियों की कामना। भुज में खुशी के रहस्य विषय पर कार्यक्रम, कई कंपनियों एवं एयरपोर्ट अधिकारियों को भी विशेषज्ञों ने बताए खुश रहने के उपाय। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में संपूर्ण स्वास्थ्य में मूल्यों के योगदान विषय पर कार्यक्रम, सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान। पीलीबंगा में योग कक्ष का उद्घाटन, आंतरिक तरक्की के लिए लाइट हाउस का काम करेगा योग कक्ष। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ तथा गुजरात के कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ, लोगों से बेहतर कर्म करने की अपील। और पेरू में जलवायु पर चर्चा, 11 सदस्यों के दल ने संस्था का किया प्रतिनिधित्व, जलवायु की रक्षा के लिए जरूरी है सकारात्मक सोच। अब खबरें विस्तार से। गुड़गांव स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के 14वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आध्यात्मिक कार्निवल का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक कार्निवल का उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, विधायक विमला चौधरी, ओआरसी की अतिरिक्त निदेशिका बीके गीता तथा बीके शुक्ला समेत कई लोगों ने फीता काटकर किया। आध्यात्मिक कार्निवल का उद्घाटन करने आए राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि भारत देश आध्यात्मिक देश है। जब तक यहां आध्यात्म रहेगा, देश जिंदा रहेगा। आध्यात्मिकता को स्थापित करने में संस्थान का अहम योगदान है। माउंट आबू तो एक ऐसा सेंटर है जो देखते हमको बनता है। सही बात, सही अर्थों में अगर किसी आदमी को आदमी का अर्थ अगर समझना है, अपने जीवन को किस दिशा में ले जाने की बात सीखनी है, तो आप सेंटर पे आइए। जो सेंटर पे नहीं रहते हैं, सेंटर से जिनका लगाव नहीं है, उनके चेहरों पर मलिनता है, उदासीनता है, और जो यहाँ पर रहते हैं उनके चेहरों पे एक अलग चमक है, एक अलग ओज है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर सरीखे पूरे विश्व में संस्थान खोले जाने चाहिए। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगेगा ही, साथ ही आदमी को आदमी बनने के श्रेष्ठ कार्य में मदद भी मिलती रहेगी। इससे सरकारों का भी काम भी आसान हो जाएगा। शांति रिट्रीट सेंटर जगह जगह बन जाए और पूरे के पूरे देश की 125 करोड़ आबादी इस राजयोग के माध्यम से अगर शांति पीस लविंग अगर हो जाए तो थानेदार का क्या काम है फिर? और पूरे विश्व के सभी देशों में अगर ये शुरू हो जाए और आदमी वास्तव में आदमी बन जाए, तब तो मुझे लगता है आतंकवाद भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि संसद में जितने कानून बने उन सबको फाड़ के फेंक देना पड़ेगा, कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदमी खुद ही शांति प्रिय हो गया है। कार्यक्रम के दौरान अन्य अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर से पिछले 14 वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आया है। ये विश्वविद्यालय मानव को बेहतर मानव बनाने के और काम कर रहा है और ओम शांति रिट्रीट सेंटर भी इसी लक्ष्य से स्थापित किया गया था। खुशी की बात है कि भारत सरकार की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको नॉर्दर्न इंडिया रीजनल रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यूज रिकॉग्नाइज किया हुआ है। हमने कर्म को योग से अलग कर दिया। यहाँ पर जो भी भाई बहन आए वह दिशा उपलब्ध करके जाएं कि कैसे हम अपनी दैनिक प्रवृत्ति निभाते हुए आध्यात्म को अपने जीवन का भाग बना सकते हैं। हर एक व्यक्ति शांति की खोज करता है। अब हमको इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में मुझे आकर के इस चीज का प्रैक्टिकल अनुभव हुआ
कि शांति बाहर नहीं, शांति तो हमारे अंदर है, जिसका हमने पहले दिन इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में अनुभव किया था। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम का आगाज किया गया, साथ ही अतिथियों का भव्य स्वागत कर उनकी आगवानी भी की गई। इस समारोह में हरियाणा तथा दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मंदिर सजता मूरत से अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भुवनेश्वर प्रवास के दौरान ब्रह्मकुमारी संस्था के सदस्यों ने उनसे मुलाकात की तथा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। राजभवन में मुलाकात के दौरान भुवनेश्वर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना तथा बीके विजय समेत कई लोग उपस्थित थे। संस्था के सदस्यों ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी भी दी। हरियाणा पंचकुला के रायपुरानी में नए भवन का शिलान्यास व भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक लतिका शर्मा, सरपंच विजय मोहन वर्मा, दयालबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा, चंडीगढ़ सेक्टर 33 ए सेवा केंद्र प्रभारी बीके उत्तरा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस समारोह में अतिथियों ने शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि नवीन बनने वाले भवन से लोगों को अपनी जिंदगी में सकारात्मकता अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। इतने सुंदर वचनों से आपने अपने ये जो संस्था है, जो संस्था नहीं पूरे भारत में ही नहीं विश्व विख्यात है, और आप किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। मैं ऐसे संस्था को और ऐसे चलाने वालों को जिन्होंने एक गौरवशाली इतिहास के साथ साथ भविष्य की कामना के साथ, मैं दोबारा शुभ आशीष देना चाहती हूँ, साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद। साथ ही अतिथियों द्वारा अपील की गई कि वर्तमान समय में ऐसे सेवा केंद्रों की बहुत आवश्यकता है, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए। आप सभी ने अपने मन की तिजोरी, बुद्धि की तिजोरी को खूब अच्छी तरह से शुभकामना से, शुभ भावना से भरपूर कर दिया होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, हम सभी आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतान होने के नाते से परम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। विधायक लतिका शर्मा, बीके उत्तरा, बीके किरण द्वारा स्टोन लगाकर शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया तथा अतिथियों को ईश्वरीय सौगात प्रदान की। मध्य प्रदेश सारंगपुर सेवा केंद्र तथा संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा परमात्म शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक कुंवर कोठार, भागवत कथाचार्य पंडित सागर आनंद महाराज, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए आर हावड़िया, राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, सारंगपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि मूल्यों से ही मनुष्य महान बनता है, इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। से जो संगत किया हूँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में 3 दिन, तो ये मुझे संदेह कह सकता हूँ कि अगर ईश्वर चाहिए तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में चाहिए, आपको ईश्वर का साक्षात्कार। आज मैं इस कार्यक्रम से आप लोगों से सबके मार्गदर्शन में सीखने आया हूँ, और जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उसमें यह मैंने जरूर सीखा है कि शाम को 5-10 मिनट ईश्वर के उसको याद किया जाए, और जो भी दिन भर में शाम की ओर सब ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए, और सुबह भी उठकर भगवान का ध्यान किया जाए, ईश्वर का ध्यान किया जाए। हमारे विचार बीज है, बीज कोई भी हो लेकिन उस बीज का फल अवश्य मिलता है, इसलिए मुझे चाहिए कि जो भी मैं कर्म करूं
ये मुझे वर्तमान में ही नहीं लेकिन भविष्य में ही ये साथ देगा। इस कर्म को देखकर अगर मैं करती हूँ तो मेरा कोई भी कर्म अनैतिक पूर्ण नहीं होगा। इस अवसर पर बीके बहनों ने उपस्थित अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। गुजरात के भुज सेवा केंद्र पर राजयोग द्वारा खुशी के रहस्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके रक्षा, हरियाणा अंबाला के मेमोरी ट्रेनर बीके करण राणा, उद्योगपति दामजी भाई पटेल ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके करण ने खुशहाल जीवन जीने के लिए परमात्मा को सुख शांति का स्रोत बताया, साथ ही मन को परमात्मा में लगाने के लिए प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करने की सलाह दी। साथ ही एयरपोर्ट तथा भुज की पार्ले जी कंपनी में कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके करण ने खुशी प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों एवं सकारात्मक सोच को बढ़ाने पर जोर दिया। आप कोई काम करने लोगो ऐसा नहीं करना है तो इस एक नहीं का इफेक्ट माइंड पर क्या पड़ता है, एकदम उसकी जो क्रिएटिविटी थी एकदम प्रेस होती है। बच्चे को कोई छोटी सी चीज दे दे, मैंने उसके आगे ये रख दो, अब ध्यान रख दो ऐसी चीज उसके आगे ना रखे, क्यों, उसने इसको खोल के देखना है, ऐसे करके बुझाए उसको, वो जो तोड़ रहा है ना वास्तव में वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। बीकानेर के पीलीबंगा सेवा केंद्र पर सहज योग अनुभूति कक्ष के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, पालिका अध्यक्ष सुभाष गोदरा, व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश लीला समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट मेहमानों ने बधाई देते हुए कहा कि आज जरूरत है कि व्यक्ति अंदर से आध्यात्मिक रूप में मजबूत बने, इसके लिए यह योग केंद्र बहुत लाभदायी होगा। ये संसार कैसे चल रहा है, युगों का इतिहास क्या है, कर्म की गहन गति क्या है, कैसे मन परमात्मा में लगाना है, जब तक हमें इन सत्यों का सही ज्ञान नहीं मिलता है हम सदा काल के सुख और शांति भी प्राप्त नहीं कर सकते। बीएड इंदिरा गांधी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बीके रानी व बीके गीता ने विद्यार्थी जीवन में कुसंग से बचने की सलाह दी। इस अवसर पर बीजेपी अध्यक्षा पुष्पा नाहटा, शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष विनोद गोयल भी मौजूद थे। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है, इस विद्यालय में कर्मों की पढ़ाई कराई जाती है कि किस प्रकार के हम कर्म करें जिससे कि हमारे को वर्तमान में भी उसकी सुखद अनुभूति हो और कर्म का फल भविष्य में भी प्राप्त होता है वो भी हमारा श्रेष्ठ बन जाए। तेलंगाना निजामाबाद के बिचकुंडा में नए सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री श्री 108 शिवानंद शिवाचार्य स्वामी, मुख्यालय माउंट आबू से बीके भगवान, बीदर सेवा केंद्र की बीके सुनंदा, देगलूर की प्रभारी बीके मंगला समेत कई वरिष्ठ नागरिकों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस नए सेवा स्थल से जन जन का भाग्य बनेगा तथा वे नए समाज के निर्माण के सहभागी बनेंगे। साक्षात भोलेनाथ, आपका पास आ चुका है। भोलेनाथ का पास आप गया नहीं लेकिन भोलेनाथ आपका पास आ चुका है, ये बड़ी बात है। आनंद आज इसी शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे लेकिन कोई ऐसा मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है जहां बोर्ड लिखा है यहां मन को ठीक किया जाता है, क्योंकि मन की बीमारियों से इसे तन की बीमारी होती है, क्योंकि आजकल हर एक का मन बीमार है। कर्नाटक बीदर के रामपुर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा जिला कारागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा संस्कार परिवर्तन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में कैदियों को अपराध मुक्त बनने के लिए जीवन में हुई गलतियों को महसूस कर उन्हें परिवर्तित करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक शरणप्पा ने संस्थान द्वारा समाज बदलाव के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कैदी उपस्थित थे। वडोदरा के करेली बाग सेवा केंद्र द्वारा एयरफोर्स स्टेशन के आकर्षण हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
राजयोग के परिचय विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में बीके डॉक्टर पौलमी तथा राजयोग शिक्षिका बीके किंजल ने कार्यक्रम में सहभागी होकर महिलाओं को राजयोग द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने तथा खुशहाल जीवन जीने पर प्रेरित किया। साथ ही परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत मधुमेह निदान पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू ने परिस्थिति व औरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदलकर जीवन को खुशनुमा बनाने की बात कही। सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंपा समेत सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे। महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र पर नवनिर्वाचित महापौर शेख अख्तर और उप महापौर कैलाश कामले के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की बीके बहनों ने संस्थान के गतिविधियों की जानकारी देते हुए शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा व बीके पुण्या समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जाति न धर्म न कुल न वर्ग न भाषा न ही अमीर गरीब का भेदभाव है न ही आयु का, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीय शिक्षण दिया जाता है। तो जहाँ पर बैठे हुए हैं तो अनेक जात के होंगे पर यहाँ जाति नहीं, हर कोई यहाँ पर आते हैं तो ब्रह्मा कुमार भाई बहने कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ कोरबा के हसदेव थर्मल पावर प्लांट में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमनीपाली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रचना ने महायोजना के बारे में जानकारी देते हुए जीवन में अपनाने की सलाह दी। लेकिन मैंने क्या नोट किया है कि कोई भी क्राइसिस को मैनेज नहीं कर सकता है, क्राइसिस मैनेज नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई चीज मैनेज हो सकती है वो क्राइसिस ही नहीं है। तो क्राइसिस का मतलब ही है कि कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल, कैनॉट डू एनीथिंग। तेलंगाना के महबूब नगर सेवा केंद्र पर भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक श्रीनिवास गौड़, जिला रेड क्रॉस के अध्यक्ष अनंत रेड्डी, एडिशनल एसपी प्रदीप रेड्डी, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके महादेवी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके रामप्रकाश ने महायोजना की जानकारी दी और सभी से सहभागी बनने का आह्वान किया। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा नॉर्थ ईस्ट रेलवे इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, केयर स्कूल की निदेशिका डॉक्टर गीता त्रिपाठी, चीफ इंजीनियर एसपी निनावे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत 20 स्कूलों के प्राचार्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके रामप्रकाश ने कहा कि श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए जीवन में सत्कर्म जरूरी है। छत्तीसगढ़ के केयर पब्लिक स्कूल में भी महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीके रामप्रकाश ने बच्चों को छोटे से छोटे कर्म द्वारा बड़ों को सुख देकर श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करने की सलाह दी। सूरत वराछा के विहान सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गलतेश्वर मंदिर के ट्रस्टी भरत भाई, सूरत जिला बाल विकास की अध्यक्षा लक्ष्मी बहन, वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके तृप्ति ने सत्कर्म के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सत्कर्म कहलाती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। हरियाणा बहादुरगढ़ के नव निर्वाचित विधायक नरेश कौशिक से बहादुरगढ़ सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके अंजलि, राजयोग शिक्षिका बीके रेणु समेत संस्था के सदस्यों ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया तथा सौगात भेंट की। तेलंगाना संगा रेड्डी के जिला कारागृह में जेल अधीक्षक नागेश्वर रेड्डी से ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की गई। इस मौके पर बीके भगवान ने उनसे मुलाकात कर संस्था के गतिविधियों की जानकारी दी, साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट कर उन्हें मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। सेवा केंद्र के बीके जगदीश और बीके पार्थ भी मौजूद थे।
अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े कई देशों के प्रतिनिधियों ने यूनाइटेड नेशन के पेरू लीमिया में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ब्रह्म कुमारी न्यूयॉर्क की बीके गायत्री नारायण के प्रतिनिधित्व में संस्था के सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी को कई देशों के आए प्रतिनिधियों ने देखा और जानकारी ली। 22 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारकों में मनुष्य के सोच को भी जिम्मेदार बताते हुए सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।